हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। नंबर एक है स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम का मतलब कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है और प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है नैनो सेकंड्स में। नैनो सेकंड मीन्स सेकंड का भी हजारवां भाग होता है और उसमें ये बहुत बिलियंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर सकता। टाइम मतलब इसलिए टाइम सेविंग होती है कंप्यूटर यूज करने से। नंबर दो एक्यूरेसी, रिजल्ट जो एग्जीक्यूट होगा यूजर इनपुट देगा और उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेसी होती है क्योंकि ह्यूमन बींग्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। नंबर तीन है डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, मतलब 24 आवर्स वो काम कर सकता, ह्यूमन बींग्स 2 या 4 घंटे के बाद रिलैक्स होना चाहता है और वो थक जाता है काम से, लगातार काम नहीं होता। कंप्यूटर लगातार 2400 घंटे काम करता रहता है। नंबर 5, 4 ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म कर करके दिखाता रहता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन हमने सेट ऑफ प्रोग्राम्स डाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग बार बार रिपीटेशन में वो ऑटोमेटिकली उन्हीं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता रहता है। नंबर 5 रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन डू देयर टास्क प्रॉपरली एंड कंसिस्टेंटली। नंबर 6 वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी मीन्स कंप्यूटर वेरियस टास्क को सेम टाइम पर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए उसको वर्सटाइल मशीन कहा गया है। स्टोरेज का ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर में मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। और नंबर 8 सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब 2 or more कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर एंड शेयर देयर डाटा अमंग देम, और जो फाइल्स या जो डाटा उसको शेयर नहीं करना या प्राइवेसी रखनी है तो वहाँ वो लॉक लगा देता है या अपने पिन वगैरह लगा देता है या फिर अपना पासवर्ड फिल कर देता है उस फाइल के ऊपर कि अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाए। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे पहली कमी है कि वो अपने आप ना तो कुछ सोचता ना कुछ काम करता। उसको मतलब इंस्ट्रक्शन, जब तक यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड क्लिक नहीं करता तो कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं करता। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की उसको ज़रूरत होती है, ह्यूमन बींग्स की तरह वो हर एनवायरनमेंट में हर जगह काम नहीं कर सकता। और कंप्यूटर की उनको जब भी कोई काम परफॉर्म करवाना पड़ता है तो उसका पहले प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और उसको रन करने के लिए टाइमिंग वगैरह फिक्स करनी पड़ती है। ये कंप्यूटर की क्या है, लिमिटेशन है। वो अपनी एरर से कभी कुछ सीखता नहीं, अपनी गलतियों से तो बार बार जो एरर है हम यूज़र उसको रिटेक्ट करके रिमूव नहीं करता तो बार बार वही एरर दिखाता है। अगला टॉपिक हम करेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है, मींस डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। बच्चों आपने लैंग्वेज तो बहुत सुनी होंगी, हिंदी इंग्लिश, इसी तरह कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 2 ही बिट्स यूज़ करता है, 0 and 1। कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना नाम सेव किया कमलेश, फर्दर कोई डाटा सेव किया जैसे आपका रोल नंबर 65, तो कंप्यूटर ना तो 65 को जानता ना कमलेश को जानता, हर वर्ड को वो पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और तब वो अपनी मेमोरी में सेव करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 बिट्स होती है, दो बिट यूज़ की जाती है, 0 और 1। यदि हम 4 बिट यूज़ कर दें इकट्ठी 0101 या 1111, तो ये 4 बिट्स का ग्रुप जो बनेगा उसको बोलेंगे हम निबल, NIBBLE, निबल। निबल इज ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। एंड यदि हम 8 बिट्स डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में तो उसको बोलते हैं हम बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 byte। ऐसे हम डाटा स्टोर करते चले जाते हैं, कोई भी एक वर्ड 1 byte डाटा यूज करेगा, मींस 8 bits डाटा स्टोर करने के लिए 8 bits उसको यूज करनी पड़ेंगी। अच्छा 8 bits आगे है, देखो 8 bits इज इक्वल टू 1 byte, BYTE byte। 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। यदि बाइट्स हम काउंट करते हैं इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाता है 1 KB, KB मीन्स 1 KB।
1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 इक्वल टू 1 MB, MB मीन्स मेगाबाइट। 1024 MB इज इक्वल टू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1 TB। टेराबाइट बड़ी यूनिट है मेमोरी की, हम GB तक यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सभी ने बच्चों ने सुना ही होगा कि 4 GB की हमारी पेन ड्राइव है, 8 GB की है, 16 GB की पेन ड्राइव है। इसका मतलब उसमें हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी स्टोरेज में GB से आगे भी हमारी लार्ज यूनिट्स होती हैं डाटा स्टोरेज करने के लिए। जैसे GB के आगे टेराबाइट, टेराबाइट के आगे पीटाबाइट, योटाबाइट एंड जेटाबाइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और इसके साथ ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करवाऊंगी, जिसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और फर्दर क्लासेस में और कंपटीशन में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। Thank you for watching this video and have a nice day.